करायो। ये बंशी तो गोपियों के धैर्य रूपी धन का हरण करती है और श्याम सुंदर गोपियों के वस्त्र का हरण करने वाले हैं। तो जो वस्त्र चोर है, गोपियों के वस्त्र की चोरी करने वाला है, उसके पास में ही प्रमदाओं के मान की चोरी करने वाले इस वंशी को होना चाहिए। योग्येन संगमे गच्छत वस्तु योग्यम, क्योंकि वस्तु अपने आप ही योग्य के साथ में योग्य वस्तु का संयोग हो जाता है। नीति ये कहती है कि जो जैसा है उसकी उसके साथ में अपने आप जोड़ी मिल जाती है। यहां पर अर्थांत अनुन्यास नाम करके एक अलंकार है। अर्थांत अनुन्यास अलंकार वहां होता है जहां पर सामान्य के द्वारा विशेष के या विशेष के द्वारा सामान्य की पुष्टि होती है, वहां पर अर्थांत अनुन्यास होता है। तो पहले विशेष का वर्णन किया कि ये वंशी भी चोरनी है, श्याम सुंदर की चोर है। श्याम सुंदर ने वस्त्र चुराए, वंशियों ने गोपियों का धैर्य मान चुराए। अब उसके द्वारा एक सामान्य यूनिवर्सल लॉ, एक सामान्य जो नियम है उसको बता दिया कि जो जिसके योग्य है उसका उसके पास में रहना ही अच्छा है, ये एक सामान्य नियम बना दिया। इसी को अर्थ गंभीर कहते हैं, जहां पर एक सामान्य नियम बना दिया जाए। शास्त्र में उपमा कालिदासस्य भार्वे अर्थगौरवम दंडना पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुणः, ये बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है काव्य शास्त्र काव्य में, संस्कृत काव्य के विषय में, कि कालिदास की उपमा बड़ी प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य भार्वे अर्थगौरवम, भार्वी कवि जो है उनका कलाकार जो जिन्होंने नाटक लिखा उनका अर्थगौरव बड़ा प्रसिद्ध है, भार्वे अर्थगौरव। और दंडना पद लालित्यम, दंडी दशकुमार चरित्र इत्यादि जो काव्य लिखे उनका पद लालित्य वो बड़ा प्रसिद्ध है। परंतु माघ कवि जरा ठसक में कहते हैं, कवि लोग अपनी अपनी प्रशंसा बहुत करते हैं, आत्मगौरव के बहुत से वचन साहित्य में प्राप्त होते हैं। वे कह रहे हैं कि माघे संति त्रयोगुणा, मैं माघ हूं मुझ में तीनों गुण है। यह माघ का कोई पक्षपाती जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि माघ में तीनों गुण है, उसमें कालिदास की उपमा है, उसमें भार्वी का अर्थ गंभीर माने यूनिवर्सल ट्रुथ उनको कहीं प्रस्तुत करना, सार्वभौम सिद्धांत उनको कहीं प्रस्तुत करना, वो अर्थगौरव भी उसमें विद्यमान है, और दंडी का पदलालित्य भी मुझमें एक काल में विराजमान है। तो वही कह रहे हैं कि ये वंशी वंशी के पास भी जाना चाहिए। कृष्ण कहते हैं सख्य सखे पश्य इयम मत मत पश्य इयम अंचलाद वंशी बलादेव आकृष्य पुरस्ताद चिक्षेप्यो तद एवं ग्रहाणो। देख 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 ललता ने तो ललता नहीं है विषभ, ये वृंदा है। बंधु ललता वेश धारिणी उस वृंदा ने शांत कहेंगे ललता ने, देख देख ललता ने श्री राधिका के हाथ से वंशी को खींच करके फेंक दिया है। अब जल्दी से लपक ले इस वंशी को, ऐसे जो कहा मधुमंगल स्वथा करोति, मधुमंगल तोड़ करके जाता है और जो पर्दे के पीछे से नेपथ्य से जो वंशी फेंकी गई थी उस वंशी को मधुमंगल तुरंत उठा लेते हैं और उठा करके श्याम सुंदर के पास में आ जाती है। वंशी श्री श्याम सुंदर को अधर पे धर के आनंदपुर बह जाते हैं अपनी वंशी को प्राप्त करके, और आज मुरली मनोहर के पास में मुरली पहुंची। मुरली मनोहर को इस प्रकार वंशी चोरी होने पर वो वंशी को प्राप्त करके श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत आनंदित होकर के विराजमान हुए। लाल की जय, श्रीमन मोहन लाल की जय। ऐसे जो हुआ तो उस समय अम्बा सारंग्य असत्यम न भरिता, अब ये श्याम सुंदर के पास तो वंशी जो है वो वंशी पहुंच गई है। मेरे बच्चे से कहीं दूर से आवाज आती है कि अम्बा सारंग्य असत्यम न भरिता, ये
अब आगे की जो प्रसंग है आगे की प्रसंग वो सारंगी में जाकर के वहां पर कही होगी, परंतु राधिका के पास में देखेंगे तो वंशी राधिका के पास में नहीं है और वंशी जो है वो श्याम सुंदर के पास में पहुंच गई है, परंतु श्री राधिका श्याम सुंदर के पास में विराजमान है। अब वो बूढ़ी टोकरी बीच में आएगी, जटला जी बीच में आएंगे और फिर रस को बढ़ाएंगे। वृंदावन हरि लाल की गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय श्री रामन हरि गोविंद, जय रामन हरि गोविंद, जय शुभताय गौर हरि हो। Thank you.